हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन एकेडमी। मेरा नाम अनुपम है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बाउंड्री कंडीशंस के बारे में। मतलब कि अगर एक इंटरफेस हो और उस इंटरफेस के इधर दूसरा मीडियम हो और उसके दूसरी साइड दूसरा मीडियम हो, तो उसमें जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के बीच में रिलेशंस होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। उनको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया, दिस इज आवर कोर्स नेम और दिस इज फ्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट मी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बाउंड्री कंडीशंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं जल्दी से कि हम लोग ये कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे हम लोग समझते हैं बाउंड्री कंडीशन को। तो बाउंड्री कंडीशन क्या होती क्या है, हम लोग इसको क्यों डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक बात की थी होमोजीनियस मीडियम की। होमोजीनियस मीडियम क्या होता है कि मतलब जो हमारा मीडियम होगा जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, वहाँ पर हम लोग ये कह रहे थे कि वो मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसका जो एप्सिलॉन आर होता था, जो जो वैल्यू होती थी एप्सिलॉन आर की, वो कांस्टेंट होती थी। लेकिन अगर हमारे पास फील्ड दो मीडियम में एग्जिस्ट कर रही हो, दो डिफरेंट मीडियम में एग्जिस्ट कर रही हो, तो वहाँ पे दो एक पर्टिकुलर सपोज ये एक मीडियम है इधर और एक साइड नीचे एक तरफ है, नीचे एक मीडियम है, ऊपर एक मीडियम है, तो उसके बीच में जो इंटरफेस है उसमें जो हमारे पास एक कंडीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसको हम लोग बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं। अब ये मीडियम क्या हो सकता है, ये मीडियम डायलेक्ट्रिक डायलेक्ट्रिक हो सकता है, दूसरा कंडक्टर 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 और डायलेक्ट्रिक हो सकता है, और तीसरा क्या हो सकता है, कंडक्टर और फ्री स्पेस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायलेक्ट्रिक डायलेक्ट्रिक के बारे में। विद हेल्प ऑफ डायलेक्ट्रिक डायलेक्ट्रिक हम लोग सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं, उसके पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे। उसके लिए हम लोग को क्या मैक्सवेल इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी टू फाइंड द कंडक्ट दिस पर्टिकुलर बाउंड्री कंडीशन। तो दो दो मैक्सवेल इक्वेशन यूज करेंगे जो हमारी होती थी, एक ए डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो और डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू। तो ये इन दोनों मैक्सवेल इक्वेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको इसकी हेल्प से हम लोग वी विल ट्राई टू फाइंड द बाउंड्री कंडीशन। और एक चीज़ और हम लोग करेंगे, जो भी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम लोग दो कंपोनेंट में हम लोग डिवाइड करेंगे, एक हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा और एक हमारा होगा जो है नॉर्मल। तो चलिए देखते हैं, पहला पहले चीज़ हम लोग डायरेक्ट्रिक डायरेक्ट्रिक कंसिडर कर रहे हैं। तो एक तरफ हमारे पास एप्सिलॉन वन है इसका वैल्यू और एक तरफ एप्सिलॉन टू है, ठीक है। परमिटिविटी जो हमारे एप्सिलॉन वन है और ये एप्सिलॉन टू है। अब हमने क्या किया है, हमने कहा है कि इधर की तरफ जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है यहाँ पे, दैट इज एप्सिलॉन टू और ये एप्सिलॉन ई वन है, ई वन है, ये ई टू है। अब अगर हम इसको देखें, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, अगर इसको हम लोग इफ यू ट्राई टू डिजॉल्व इन टू कॉम्पोनेंट, एक हमारा नॉर्मल और एक हमारा टेंजेंशियल है, तो इसको ई टू को हम लोगों ने ई टू एन और ई टू टी में डिजॉल्व कर दिया और ऊपर वाले को ई वन टी और ई वन एन में डिजॉल्व कर दिया, राइट। अब इसको हम लोगों ने दोनों दोनों टर्म में डिजॉल्व कर दिया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोगों ने एक ई डॉट डी एल का टर्म, ई डॉट डी एल का फॉर्मूला लगाया। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, उसके लिए हम लोगों ने एक उसके हम लोगों ने एक एक लेंथ लिया, एक क्लोज लाइन का, एक हमारा क्लोज क्लोज लाइन बना दिया, और हमें डी एल लाना है तो हमारे पास एक क्लोज लाइन होनी चाहिए। तो अब ये देखिए, ये जो ये हाइट है डेल्टा एच मान ली हम लोगों ने, और ये विड्थ क्या है डेल्टा डब्ल्यू मान ली। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ई डॉट डी एल लगाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं, पहला वैल्यू है हमारे पास ई वन टी इंटू डेल्टा डब्ल्यू, मतलब क्या है, जो हमारा टेंजेंशियल है, ये हमारा टेंजेंशियल है, ई वन टी इंटू डेल्टा डब्ल्यू यहाँ से यहाँ तक आए तो ई वन टी इंटू डेल्टा डब्ल्यू। अब हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं तो फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ ई वन एन, ठीक है, ई वन एन, और हमारे पास हाइट क्या होगी डेल्टा एच बाई टू, क्योंकि हम लोग ऊपर की बात कर रहे हैं तो ये इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, हम लोग वो जिम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ई वन टी डेल्टा एच बाई टू। और नीचे की तरफ आएंगे तो जो हमारे पास ये भी हमारे पास माइनस में होगा क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो हमारे पास फील्ड हो जाएगी माइनस ऑफ ई टू एन डिवाइड बाई टू और डेल्टा एच बाई टू और ई टू एन फील्ड, माइनस ऑफ ई टू एन फील्ड हो जाएगी। अब हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में देखिए ई टू टू हमारे पास इस डायरेक्शन में है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ ई टू टी इंटू डेल्टा डब्ल्यू। उसके बाद जैसा हम लोगों ने इधर किया था, इसके लिए देखिए इस पर्टिकुलर टर्म के लिए हमारे पास हाइट नीचे की तरफ, देखिए नीचे वाले सरफेस जो जो हमारे पास मीड ये इंटरफेस है उसके नीचे देखिए डेल्टा एच बाई टू हाइट है, और हमारे पास फील्ड क्या होगी नॉर्मल वाली वो आ रही थी। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दिस विल बी कैंसिलिंग आउट, ये चारों चीज़ कैंसिल, ये चारों डेल्टा एच बाई टू वाले कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा ई वन टी डेल्टा डब्ल्यू माइनस ई टू टी डेल्टा डब्ल्यू। तो वहाँ से हम लोग निकालेंगे कि ई वन टी इज इक्वल टू ई टू टू। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वो हमेशा बराबर होगा दोनों मीडियम का, एक इस मीडियम का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये पहली बाउंड्री कंडीशन हो गई। दूसरी बाउंड्री कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं, हमारे पास दूसरा रिलेशन कुछ ऐसा है कि हम लोगों ने क्या किया, डी डॉट डी एस वाला टर्म लगाएंगे। तो उससे पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं, ई वन टी ई टू टू के बराबर आ रहा था, तो अगर इसको हम डी के टर्म में रखें तो हो जाएगा डी वन टी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट
एप्सिलॉन वन और डी टू टू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन टू, तो वहाँ से हमारे पास ये वाली रिलेशन आ जाएगी, दिस इज जस्ट अ मॉडिफिकेशन, दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। हम लोग अभी दूसरे टर्म की जो हमारे नॉर्मल के रिलेशन को हम लोग निकालेंगे, नॉर्मल वाले, अभी हम लोगों ने टेंजेंशियल के रिलेशन निकाली है, अब लोग नॉर्मल के रिलेशन निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है दिस इज अ सर्फेस, तो यहाँ पे नॉर्मल दो ही होंगे, डी टू एन और डी वन एन, तो हमारे पास डी डॉट डी इज इक्वल टू क्यू होता है, राइट। तो अगर हम लोग बात करें, एक तरफ नॉर्मल इस डायरेक्शन में है, इस एक तरफ इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ से ऐसा आ रहा है, तो हमारे पास जो टोटल इस पर्टिकुलर सर्फेस में जो चार्ज होगा दैट विल बी डी एन वन एस डेल्टा एस माइनस डी टू एन डेल्टा एस, राइट। तो जो हमारे पास डेल्टा क्यू होगा, अगर ये सरफेस फ्री रीजन है तो दैट विल बी दिस विल बी जीरो, तो हमारे पास डी वन एन माइनस डी, यहाँ से सिंपली ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रो एस हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है, डेल्टा एस एरिया है, दिस विल बी डी वन एन एस डी वन इंटू डेल्टा एस माइनस डी टू एन इंटू डेल्टा एस, तो ये हमारे पास डेल्टा एस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रहा था डी वन एन माइनस डी टू एन इज इक्वल टू रो एस, राइट। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि हमारे पास अगर ये चार्ज फ्री रीजन है तो हमारे पास रो है जीरो हो जाएगा, और उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे कि हम लोग देख लेंगे कि डी वन एन जो होगा हमारा डी टू एन के बराबर होगा, मतलब कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो एक दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ से दोनों चीज़ हम लोगों ने देख ली, अब इस पर हम बेस्ड हम लोगों ने एक हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट का इक्वेशन देख जो कंडीशन देख लिया, और हम लोगों ने जो है नॉर्मल का इक्वेशन देख लिया, अब हम लोग इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और इससे हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग दोनों तरफ का जो हम लोग दोनों तरफ की फील्ड, या फिर आप कह सकते हैं दोनों तरफ की जो सारी वैल्यूज ई वन टी ई टू टी और ई वन एन ई टू टी ई टू एन हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक प्लेन है जेड इजक्वल टू जीरो, राइट, और दिया हुआ है कि जेड इज ग्रेटर देन जीरो पे हमारे पास एप्सिलॉन आर हमारे पास फोर है, और जेड इजक्वल टू लेस देन जीरो पे एप्सिलॉन आर टू जो हमारा है थ्री है। हमारे पास फर्स्ट मीडियम में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट कर रही है, राइट, फॉर जेड इज इक्वल टू जीरो ग्रेटर देन जीरो के बाद दूसरे मीडियम में हम लोगों को निकालना है फील्ड, ठीक है। तो हमारे पास जेड इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो पे एग्जिस्ट कर रही है, जेड इक्वल टू लेस देन जीरो पे निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद दूसरे पे आएंगे। पहला क्वेश्चन हमें ई टू निकालना है फॉर जेड इक्वल टू लेस देन जीरो। तो देखिए ये हमारे पास एक सर्फेस था जेड इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स वाई प्लेन, तो इसका नॉर्मल क्या होगा जेड, ठीक है। तो जो भी हमारे पास ई वन होगा, जो भी हमारे पास फील्ड इवन होगा उसका नॉर्मल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जो भी होगा जेड कंपोनेंट होगा वो भी वही होगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर सरफेस की, दिस पर्टिकुलर सरफेस जेड इक्वल टू जीरो की, तो ये हमारा जेड इक्वल टू जीरो प्लेन है, या फिर आप कह सकते हैं एक्स वाई सरफेस है, एक्स वाई सरफेस का नॉर्मल क्या होता है, इसका नॉर्मल कंपोनेंट जेड होता है, मतलब कि जो भी हमारे पास फील्ड दी हुई है अगर उसका हम लोग नॉर्मल कंपोनेंट की बात करें दैट विल बी सिंपली जेड कंपोनेंट, तो वो हमारे पास इवन एन आ गया, ठीक है। तो अगर हमारे पास जेड कंपोनेंट हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट आ गया तो हमारे पास टेंजेंशियल क्या हो जाएगा, टोटल माइनस नॉर्मल, तो हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट कुछ इतना आ जाएगा, दिस विल बी आवर टेंजेंशियल कंपोनेंट, ओके। तो हमारे पास दोनों चीज़ पता चल गई है, ई वन एन और ई टू ई वन टी, तो हमारे पास थ्री ए जेड ए वन एन आ रहा है और ई वन टी आ रही है फाइव ए एक्स माइनस टू वाई, तो दोनों कंपोनेंट पता चल गए हैं। हमें फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन से पता है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑन बोथ साइड विल बी इक्वल फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो टेंजेंस ई वन टी इक्वल टू ई टू टी, तो हमारे पास ई टू टी पता चल गया, ई टू टी हमारे पास क्या आ गया फाइव ए एक्स माइनस टू ए वाई। अब हमें नॉर्मल की बात करनी है, नॉर्मल में हमें क्या होता है, हमारे पास डी वन एन इक्वल टू डी टू एन, ठीक है, डी वन एन इक्वल टू डी टू एन, तो डी हमारा क्या होता है एफ ई वन एन इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर वन और एप्सिलॉन नॉट ई टू एन इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर टू, तो ये दोनों सिर्फ डी वन एन और डी टू एन हमारे बराबर होते हैं, हमारे बाउंड्री कंडीशन था, इसको एक्सपेंड किया तो हमारे पास ऐसे रिलेशन आ गई। तो यहाँ पे देखिए ई टू एन को एक तरफ लें, बाकी सारे को एक तरफ ले जाएं, तो हमारे पास ई टू एन विल बी ई वन एन एप्सिलॉन आर वन डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर टू, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारे पास फोर ए जेड आ गया, तो हमारे पास दोनों कंपोनेंट मिल गया, ई टू एन के ई टू टी मिल गया और ई टू एन एन मिल गया, दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास जो ई टू की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी फाइव ए एक्स माइनस टू ए वाई प्लस फोर ए जेड, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है द एंगल ई वन एंड ई टू मेक्स विद द इंटरफेस, जो हमारे पास ई वन और ई टू दोनों हमारे पास जो है वो इंटरफेस से कितना एंगल बना रही है, तो कुछ ऐसा है दिस इज इंटरफेस, राइट, दिस इज इंटरफेस, ये हमारा इंटरफेस है, इसे ई टू हमारा अल्फा टू बना रही है और ई वन हमारा अल्फा एन अल्फा वन बना रही है। तो ये सिंपल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग एक चीज देखेंगे, हमारे पास अगर हम लोग यहाँ पे देखिए नॉर्मल कंपोनेंट कितना आ रहा था ई वन का, ई वन का नॉर्मल कंपोनेंट आ रहा था थ्री ए जेड और हमारे पास जो दूसरा टेंजेंशियल कंपोनेंट आ रहा था वो आ रहा था फाइव ए एक्स माइनस टू वाई, तो इसकी अगर हम लोग लेंथ की बात करें तो लेंथ निकाल सकते हैं, तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी थ्री हो जाएगी, ई वन
ई वन एन, और जो हमारे पास ये वाला लेंथ आ जाएगा दैट विल बी 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 29। ओके, तो दोनों वैल्यू निकल गई है, तो हम लोग टेन थीटा वन निकाल सकते हैं। टेन थीटा वन विल बी ई वन टी डिवाइड बाई ई वन एन, तो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 29 डिवाइड बाई 3। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, थीटा वन की वैल्यू आ जाएगी 60.9। अगर ये टोटल एंगल 90 है, थीटा वन की वैल्यू 60.9 है, तो अल्फा वन हमारा आ जाएगा 29.1। ओके, और उसी की हेल्प से अगर हम लोग बात करें E2n में भी हम लोगों ने सब कुछ निकाला है। अब यहाँ पे देखिए, नॉर्मल कंपोनेंट निकालने का एक और तरीका मैं बता देता हूँ। हम लोगों ने हमें पता है E2 into an करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E2 into 1 cos थीटा, और जो नॉर्मल के बीच में एंगल होगा और E2 के बीच में। तो सिंपली हम लोग E2 की वैल्यू हमें पता है, मॉड ऑफ E2 टोटल, मतलब टोटल फील्ड E2 कितनी आ रही थी, इसका मॉड निकालेंगे 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट विल बी 45। ओके, और हमारे पास इस तरह से आ जाएगी वैल्यू। तो E2 dot an करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4, क्योंकि हमारे पास an की वैल्यू है az, तो az सिर्फ ये वाला टर्म से डॉट प्रोडक्ट होगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, तो 4 आ जाइए। तो 4 डिवाइडेड 45 आएगा cos θ2, और θ2 की वैल्यू हो जाएगी cos inverse of 4 by 45, दैट विल बी 53.4। तो हमारे पास α2 की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 53.4, दैट विल बी 36.6। तो ये दिस इज द डिफरेंट मेथड, दिस इज द डिफरेंट मेथड, दोनों से वैल्यू सेम ही आ रही है, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करके डॉट प्रोडक्ट से हम लोगों ने एंगल को निकालने की कोशिश की है। तो जो हमारा नॉर्मल है वो वेक्टर, और हमारे पास जो E2 है, उन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट किया, cos θ2 को निकाला, उसे θ2 निकाला, फिर α2 निकाल लिया। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, एनर्जी डेंसिटी इन बोथ द डायलेक्ट्रिक्स, तो दोनों डायलेक्ट्रिक्स में उन्होंने एनर्जी डेंसिटी निकाली है। एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज नथिंग बट W(e1) = ½ εe² मॉड ऑफ ई स्क्वायर, मॉड ऑफ ई इज नथिंग बट द वॉल्यूम। ओके, तो टोटल मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हम लोग, हमें हाफ ये 1/2 पता है, अल्फा वन की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन वन की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन वन इज नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर वन। तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और हम लोग इसको ई वन की वैल्यू को इसका मॉड लेंगे। ई वन की वैल्यू हमारे पास ये थी, ई वन वॉज गिवन समथिंग लाइक दिस, 5ax - 2ay + 3az, तो 5² + 2² + 3² अंडर रूट। तो इसको अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ हमारे पास 5² + 2² + 3² आएगा (10^6). तो ये टोटल हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 627 μJ/m³। इसी की हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे फील्ड E2 का, E2 का आ जाएगा 547 μJ/m³। तो ये हमारा हो गया अबाउट दैट बाउंड्री कंडीशन, और हम लोगों ने सॉल्व किया एक क्वेश्चन को। तो दिस इज अ सिंपल, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिंपल है। अगर हमारे पास चार्ज रोएस चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग उसको भी कंसीडर करेंगे आगे वाले आने वाले लेसन में, हम उसको कंसीडर करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस लेसन में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया, उसको रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए, रिकमेंड कर सकते हैं आप, नीचे दिया गया लिंक है, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। दोस्तों इसको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।